दोस्तों ठीक तो दिख रहा है ना बाल। दोस्तों आपका स्वागत है टेकवाइंस के फ्रेश एपिसोड। चलो रेडी। दोस्तों स्वागत है आपका टेकवाइंस के फ्रेश एपिसोड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैकबुक एयर 2017 क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो भी 2021 में। आपने इससे पहले मेरे वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है और बताया है कि 2021 में वैल्यू फॉर मनी है और आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर इन 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस मैकबुक को लेने से पहले दोबारा सोच सकते हो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ यहाँ पे लाल बटन देख रहे हैं, आप लाल बटन देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। दोस्तों जल्दी से जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। बहुत से लोग ने YouTube में वीडियो बनाया है इसके रिव्यू का और वहाँ पे कहा है कि इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है। तो ऐसे में एक मार्केट में हवा फैल गई है कि इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है। दोस्तों इसके डिस्प्ले में कोई खराबी नहीं है, खराबी है तो वो है इसके व्यूविंग एंगल में। क्योंकि दोस्तों अगर आप जैसे 4K मॉनिटर या 8K मॉनिटर में वीडियो देखते हैं, HD मॉनिटर में वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद अगर आप इस मॉनिटर में देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे HD स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल IPS स्क्रीन देखने को मिलेगा। और इसके दो रीज़न है जो आपको ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले में प्रॉब्लम लगता है। तो सबसे पहला है कि इसकी स्क्रीन छोटी है और दूसरा इसमें यह है कि इसमें आपको LCD स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। LCD स्क्रीन का नुकसान ये होता है कि यहाँ पे जैसे अगर आप इसको साइड से देखेंगे या ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लैक दिखने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अगर आपका काम नॉर्मल है, जैसे अगर आप मूवीज़ देखते हैं या आपको ऑफिस का काम है या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको काम आसानी से चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका जैसे फ़ोटो का कोई काम है जहाँ पे आपको कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप जैसे फ़ोटो एडिटिंग करते हैं या आप एकदम डिटेल में हाई क्वालिटी की वीडियोज़ एडिट करते हैं जहाँ पे आपको कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में दोस्तों आप इस लैपटॉप को लेने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर। सेकेंड पॉइंट है गेमिंग। दोस्तों आज के टाइम पे हर कोई गेम खेलना पसंद करता है और ऐसे में इस लैपटॉप में आप छोटे से छोटा भी गेम नहीं खेल सकते हो, क्योंकि इस लैपटॉप को गेम खेलने के हिसाब से बिल्कुल डिज़ाइन नहीं किया गया है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप अगर 70,000 रुपये इस लैपटॉप पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट महसूस होगा। तो दोस्तों अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लैपटॉप को बिल्कुल भी मत खरीदिए। आपको विंडोज़ में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं और आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। और इस लैपटॉप में आप गेम नहीं खेल पाओगे, आप सिर्फ अपने प्रोडक्टिविटी वाले ही काम कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आप इस लैपटॉप को लेने से पहले ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट है HDMI पोर्ट। वैसे तो पोर्ट देने के मामले में एप्पल बहुत कंजूस है और वो पोर्ट बिल्कुल भी नहीं देता है जो भी आपको बाहरी दुनिया से आसानी से कनेक्ट कर दें, लेकिन एप्पल इस बार दिलदार बना और इस लैपटॉप में आपको भरपूर पोर्ट्स दिए हैं, फिर भी HDMI पोर्ट मिसिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आपको HDMI पोर्ट का ज़रूरत पड़ता है तो आप ऐसे में एक्सटेंशन यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक फिर वही हो जाता है ना कि आपको एक केबल लेके जाओ, कैरी करो, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हाँ दोस्तों इसमें आपको ड्यूल मॉनिटर का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लैपटॉप को मत खरीदिए, क्योंकि फिर ये आपके लिए कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। फिर आप मतलब जुगाड़ करते रह जाएंगे और फिर आपका जुगाड़ नहीं होगा, तो ऐसे में आपको फिर बहुत डिसअपॉइंट महसूस होगा। तो दोस्तों HDMI पोर्ट अगर है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके लिए इस लैपटॉप को मत खरीदिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो आपको एलियन जैसा महसूस होने वाला है। एलियन इसलिए क्योंकि आपको बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में रहते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि
मान लीजिए अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आपको टैली यूज़ करना है तो आप इस लैपटॉप में टैली यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको जूम यूज़ करना है वीडियो मीटिंग के लिए तो आपको यहाँ पे जूम का भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चलते हैं जो विंडोज़ के लैपटॉप में आसानी से चल जाते हैं। दोस्तों एक बात यह है कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन वो जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। लेकिन वो जुगाड़ ऐसे मतलब चले या ना चले, कब तक सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडो में आसानी से चलते हैं, इसमें नहीं चलते हैं। तो जरूर लेने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर ये लैपटॉप सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है स्टोरेज। वैसे तो एप्पल बहुत कंजूस है स्टोरेज के मामले में, वो ऐसे गिन के देता है 1 GB 2 GB। इस वेरिएंट में आपको दो स्टोरेज के मॉडल मिल जाएंगे, पहला है 128 GB और दूसरा है 256 GB का। अगर हम बात करते हैं 128 GB मॉडल की तो आपको 128 GB पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, फिर यहाँ पे प्री एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड आती है, फिर आप भी कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, तो ऐसे में आपको एवरेज 50 से 60 GB ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका ज़्यादा काम है स्टोरेज का तो ऐसे में आप इस लैपटॉप को मत लीजिए, लेकिन अगर आपको इस लैपटॉप को लेना है परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आपको फिर यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हार्ड डिस्क भी ले रहे हैं तो उससे अच्छा आप SSD लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट चलती है, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी और आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको डिटेल में जानना है इस मैकबुक के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और इस लैपटॉप को क्यों लेना चाहिए और आपने ये वीडियो देखा क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आप दोनों वीडियो को देख के आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।